रही है हमारी गाड़ी। अरे वो भैया यू कहाँ है, ये क्या चल रहा है भाई? भाई झरना तो गाड़ी के भीतर। हाय गाइस, जैसे आपने एक क्लिप देखी ली होगी आपको समझ ही आ गया होगा आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है एंड काफी लोग उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। सबके अपने अपने रीजंस हैं वीडियो बनाने के, हमारा भी अपना रीजंस है बिकॉज यार छोटा चैनल है। जब एक हॉट टॉपिक पकड़ेंगे तभी यूट्यूब हमें रिकमेंड करेगा और तभी लोगों को हमारे चैनल्स के बारे में पता चलेगा। तो एक ये रीजन भी है बट सिर्फ एक यही रीजन नहीं है वीडियो बनाने का। अगर व्यूज भी होता, व्यूज ऑब्वियसली है बट अगर व्यूज ज्यादा होता तो शायद मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका होता। बट मैं वेट कर रहा था सारे जो भी दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है उनको देखने का कि क्या स्टेटमेंट्स दोनों दे रहे हैं एंड उसके बाद ही मैं कुछ अपने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस बारे में मैं आपके सामने रख सकता था। तो जो हमारे छोटी से हमारी फैमिली जो जुड़ी है हमारे साथ ये वीडियोज उनके लिए मेरी ऑब्जर्वेशन, मुझे क्या लगता है कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ इस जो भी ये पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर। तो गाइज वीडियो पूरा देखना, उससे वीडियो देखने से पहले ही जजमेंट पास मत करना कमेंट में। आप वीडियो देखिए, आपको जो उसके बाद जो सही लगता है जो गलत लगता है वो आप मुझे बता सकते हो, बट एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद पूरा कंप्लीट देखने के बाद ही अपना जजमेंट पास करें तो आई गेस ज्यादा सही रहेगा। तो गाइस बात करें यार जो इंसिडेंट हुआ है ये पूरा सनरूफ लीकेज का, तो पहले तो मैं बता दूं यार मैं आई एम नॉट अ सनरूफ फैन, ज्यादा मुझे सनरूफ वगैरह चीजें पसंद नहीं है। तो दैट्स व्हाई मुझे अगर पूछा जाएगा तो मेरे को फॉर्च्यूनर ज्यादा अच्छी लगती है एंड टोयोटा की कार्स मुझे ज्यादा अच्छी लगती है बिकॉज मैं इतना गेमिंग के फीचर्स के ऊपर जाता रही हूँ एंड मुझे लगता भी नहीं कि सनरूफ इतना यूजफुल है इंडियन वेदर कंडीशंस को देख के। तो गाइस अगर बात करें इस इंसिडेंट की, तो मैंने दोनों लोगों के वीडियोस देखे हैं, महिंद्रा के भी एंड अरुण के भी। तो बात करते हैं अरुण के वीडियोस की। पहली बात तो यार मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा और ना मैं किसी के अगेंस्ट में, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो मुझे देख के लगा। तो जो अरुण की वीडियोस है यार उसपे भी मेरे कुछ क्वेश्चंस है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यार ये जो पार्ट जो निकला है जो सनरूफ से जो रबड़ का पार्ट निकला था जिसकी वजह से लीकेज हुई है, तो रबड़ यार एक नॉर्मल चीज है, हो सकता है निकल गई हो बिकॉज रबड़ आप देखोगे आपकी कार की बॉडी की कई जगह पे यूज होती है आपके डोर्स पे, तो मतलब रबड़ निकलना इट्स नॉट अ बिग थिंग, वो निकल सकती है और जिसकी वजह से ये लीकेज हुई थी सनरूफ से। तो बात करें यार उस वीडियो की, तो उस वीडियो में भी मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरे को काफी ऑकवर्ड लगा, आप वाटरफॉल के नीचे अपनी कार ले जा रहे हो एंड आप अपने शीशे ओपन, आप देखोगे तो पैसेंजर साइड का शीशा उनका ओपन था, तो शीशा खुला रख के सन वाटरफॉल के नीचे कार आई डोंट थिंक सो कोई ले जाएगा। और इतना तो मतलब लाइक यार कॉमन सेंस है यार कि अगर मैं वाटरफॉल के नीचे अपनी कार ले जा रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को अपने शीशे चेक कर लूँ कि मेरे शीशे बंद हुए या ना हो। तो शीशे बंद नहीं थे, आई डोंट नो क्यों उन्होंने बंद नहीं किए, भूल गए क्या हुआ, आई डोंट नो कि वो क्यों हुआ ऐसा। सेकेंड चीज जो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, आप नॉर्मली क्या करते हैं यार, आप लोग आप ले जा रहे हो वाटरफॉल के नीचे तो नॉर्मली लोग अपने जो सनरूफ का शेड है वो ओपन करके रखते हैं ताकि यार फील तो आए, आप ले जा रहे हो तो ऊपर से आप देखोगे भी तो कि जो वाटरफॉल के नीचे क्या फील भी तो आनी चाहिए उस चीज की। तो वो उन्होंने शेड बंद किया हुआ था, वो भी मुझे समझ नहीं आया क्यों बंद किया हुआ था। हो सकता है यार जेन्युइन चीज हो सकता है बंद करके, या उनका मन ना हो, या फिर आई डोंट नो क्या रीजन है, या मतलब क्यों बंद किया था मुझे नहीं पता, वो शायद वो अच्छी तरह बता सकते हैं, या मैं फिर भी उनके एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ कि हो सकता है कि शायद उनका मन ना हो, उन्होंने बंद रखा हो शेड उसका सनरूफ का, हो सकता है ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा ही फेक वीडियो है या फिर ऐसा कुछ, मेरा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। मुझे ये दो पॉइंट्स लगे कि ये चीज होनी चाहिए, और अगर आप वीडियोस वो ध्यान से देखोगे तो उस वीडियोस में काफी रीटेक हुए हैं और वो कार दो बार उस वाटरफॉल के नीचे लेके गए हैं। अगर आप ध्यान से देखना उस शॉट को, एक बार जो शॉट्स में वीडियो शूट हुई थी वो फ्रंट से फ्रंट एंगल के साथ हुई थी एंड जो सेकंड वीडियो थी वो आपके यूट्यूब में जो आई वो साइड एंगल के साथ आई। तो दो बार कार्स मुझे लगता है वो लोग लेके गए वाटरफॉल के नीचे एंड अगर यार एक बार आपके कार में पानी आ गया है तो आपको दोबारा कार नहीं ले जाने चाहिए बिकॉज ठीक है यार एक वीडियो है बट आपकी कार में उस वाटर की वजह से काफ़ी
इलेक्ट्रॉनिकली पार्ट्स खराब हो सकते हैं आपकी कार के, तो वो पता नहीं उन्होंने दो बार शूट किया मुझे ऐसा लगता है उस वीडियो को, तो ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि ऐसा क्यों किया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट ठीक है, आपके पास आपकी कार में अगर चलो एक बार पानी आ गया तो आप उसी को दिखा सकते हो कि यार कि ये इशू है। और मैं बता रहा हूँ यार, वो रबड़ का इशू था और वो पॉसिबल है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये उन्होंने जानबूझ के किया, रबड़ निकल सकती है किसी की भी, आप अपनी कार्स में भी या किसी में भी देखो तो ये एक रबड़ निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे सनरूफ की जो रबड़ काफी अच्छी तरह से लगाई हुई होती है, उसका निकलना बहुत ही मुश्किल तरीके से आप उसको निकालो, अगर वो निकलेगी भी तो काफी इजिली नहीं निकलती वो रबड़। तो बट ये भी है, ये पॉसिबिलिटीज है कि निकल गई हो, क्योंकि कुछ इंसिडेंट देखे हमने ऐसा कि जिसमें रबड़ निकल जाती है। तो मुझे बस ये चीज ऑकवर्ड लगी कि ये जो वीडियो उन्होंने शूट करी इसमें मुझे ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि यार ये इनमें मेरे मतलब एक क्वेश्चन है कि ये इन पॉइंट्स को लेके कि यार ऐसा क्यों। अदरवाइज देखो रबड़ निकलना, अगर रबड़ की वजह से लेके जाइए तो रबड़ निकलना एक हो सकता है, पॉसिबल है कि रबड़ निकल गई हो। सो गाइस बात करते हैं अब महिंद्रा की वीडियो की। महिंद्रा ने जैसे वीडियो में आपने देखा, महिंद्रा ने सेम वही सीन रिक्रिएट करके दिखाया। महिंद्रा सेम उसी लोकेशन पे गया, उसी वाटरफॉल के नीचे, और उन्होंने वो पूरा सीन रिक्रिएट किया और उन्होंने दिखाया कि उनकी कार में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार पहली बात तो देखो, कार में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब जानते कि कार में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे या उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से उनकी कार में वो इशू आया, और वो रीजन भी यार एक वो ही रीजन था जो कि सबको क्लियर था कि रबड़ निकली है, एंड उस वजह से वो उनको इशू फेस हुआ। सो इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था महिंद्रा के कि महिंद्रा की कार पे कोई क्वेश्चन उठा रहा है। तो बात रही महिंद्रा ने ये सब करके दिखाया, ठीक है अच्छी बात है कि महिंद्रा ने करके दिखाया, महिंद्रा ने प्रूफ किया। बट अगर और अच्छा रहता कि महिंद्रा जाके वहां पे आप ट्रैक कर सकते हो यार, आप अपने कस्टमर की कार कहाँ पे है और आपने अपने कस्टमर की डिटेल्स भी आप निकाल सकते हो। आप महिंद्रा बेटर रहता कि महिंद्रा उनसे कॉन्टेक्ट करता और उनको थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड करता उस लोकेशन में जाके, बिकॉज यार वो जिस लोकेशन में है उस समय थे, काफी रिमोट लोकेशन थी, और हो सकता है बंदा वहां पे फंसा हो। और जितना आप देख रहे हो कि यार काजा में उस समय टेम्परेचर भी काफी लो रहता है, तो इस टेम्परेचर में हो सकता है कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर सकता है ऐसी जगह पे। तो अगर बहुत अच्छा रहता यार कि बहुत अच्छा होता कि अगर महिंद्रा जाके थोड़ा सा दिखाता यार कि थोड़ा असिस्टेंस प्रोवाइड करता कस्टमर को, जिसकी वजह से हम सबको एक देखने को मिलता कि यार जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज कितनी बढ़िया है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज इंडियन कंपनी दे रही है वो कितनी बढ़िया। हम बात करते हैं यार इंडियन प्रोडक्ट्स की, और इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। बात की जाए टाटा महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं। बट हम कहाँ पे मार खा रहे हैं, हम कर रहे हैं मार अपने आफ्टर सेल सर्विसेज में। तो महिंद्रा के पास एक चांस था, एक मौका था कि वो प्रूव करता लोगों को कि यार इंडियन कंपनीज भी अपने आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में किसी भी बड़ी कंपनी या किसी भी बाहर की कंपनी से पीछे नहीं है, एंड वो भी अपने कस्टमर की उतनी ही केयर करती है। तो ये चांस था महिंद्रा के पास, महिंद्रा प्रूव कर सकता था इसको, और महिंद्रा अगर ऐसा भी करता तो भी यार लोग महिंद्रा की ही प्रेस करते, महिंद्रा के लिए ही अच्छा बताते कि महिंद्रा अपने कस्टमर को इतना सपोर्ट कर रहा है इसी सिचुएशन में आके। तो ये एक पॉइंट था यार कि मुझे लगता है कि यार ये चीजों पे, बिकॉज यार लोग क्वेश्चन उठाते हैं हमेशा कि यार इंडियंस कार की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, रोड असिस्टेंस अच्छा नहीं है। तो ये एक महिंद्रा के पास एक मौका था ये प्रूफ करने का लोगों को कि नहीं यार इंडियन कंपनीज भी काफी काम कर रही है अपने आफ्टर सेल सर्विसेज में, एंड इंडियन कंपनीज भी अपने कस्टमर की उतनी ही केयर करती हैं। तो बहुत अच्छा होता कि अगर महिंद्रा की तरफ से ये स्टेप लिया जाता, मेरे को ऐसा मानना है कि ऐसा होना चाहिए था। अदरवाइज यार देखो ये इंसिडेंट जो था बहुत, मैं कहूंगा रेयर इंसिडेंट था कि सनरूफ से लीकेज, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, काफी लोग सनरूफ कार यूज करते हैं, काफी लोग कार काफी बार आपकी कार वॉश पे जाती है, काफी हाई प्रेशर से आप वॉश किए जाते हैं कई जगह पे, और कई लोग ऐसा नॉर्मल, ये आपने जो देखा कि वाटरफॉल के नीचे कार, तो कई लोग ऐसा, आपने पहले भी कई वीडियोस देखी होंगी कि लोगों ने वाटरफॉल्स के नीचे अपनी कार ले जाई है, ले गए हैं,
एंड ऐसा इंसिडेंट काफी नहीं होता, काफी बार रेयर होता है, तो ये बहुत एक रेयर इंसिडेंट था जो हुआ और इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। ये रीजन सिर्फ ये था कि उनकी रबर निकल गई थी जिसकी वजह से वो लीकेज, उनको सनरूफ से वो लीकेज हुआ। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा ये इंटेंशनली किया गया है काम, हो सकता है पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे वो अपनी वीडियोस में बता रहे हैं फर्स्ट लॉट की गाड़ी है। देखो पहली बात तो मैं बोलूंगा ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, रबड़ निकल जाना इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हो सकता है कई बार निकल जाती है बट इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब ये नहीं पता रीजन कि वो वाटर वॉल के प्रेशर से निकली है या किससे निकली है, बट मैं उसको एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं मानता। तो गाइस बस यही मेरे पॉइंट थे, यही मेरी ऑब्जर्वेशन थी इस पूरे इंसिडेंट को लेके। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो, या आपके कुछ डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मुझे तो सिर्फ इतना लगा कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें मेरी यही ऑब्जर्वेशन थी। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।